हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ फजीन। वेलकम टू फजीन्स फूड मैजिक। आज हम बनाने वाले हैं चिकन का स्टार्टर, चिकन चीज़ बोटी इन वाइट सॉस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, क्विक बन जाती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ के जी चिकन ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, और जो लेग पीस है ना उसके अंदर मैंने इसे गशेस बना लिए, इसे कट्स कर लिए हैं ताकि मसाले अंदर तक जाए, और मीडियम साइजेस रखे हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं ज़्यादा बड़े भी नहीं। अब इसको फ्लेवर कर देंगे बहुत ही सिंपल मसालों से। सबसे पहले हम नमक ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। एक चम्मच भर के ना मैंने जो कलर वाली मिर्ची होती है ना, रेड वाली, वो मैंने यूज़ की है, और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा विनेगर, इसकी जगह पे आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा कलर भी ऐड कर दिया है, फूड कलर। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। इन सबको पहले मसालों को मैंने मिला लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम दही। दही का जितना पानी आप निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पानी वाला दही रहेगा तो मसाले ठीक से नहीं पकड़ेंगे। हंकर्ड की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। और अब इन सबको मसाला लगा लेने के बाद में आपने इसे एटलीस्ट 15-20 मिनट्स या आधा घंटा आपने छोड़ देना है रेस्पिरेट करने के लिए। बाय दैट टाइम हम लोग इसका व्हाइट सॉस बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से मेल्ट होने दें, एंड उसके साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। और मैदे का आटा इसमें डालने के बाद आपने तुरंत ही ना एक विस्कर की मदद से इसे मिलाते जाना है, और लो फ्लेम पर ये काम करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी है ना स्टिकी और थिक हो जाता है। और ग्रेजुअली अभी आपने इसमें दूध ऐड करते जाना है। अभी मैंने पहले 1/2 कप ऐड किया है, इसे मिक्स किया है। हमें इसे है ना बहुत ही फ्लोई कंसिस्टेंसी में लेकर आना है, तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है इसमें, और स्लो फ्लेम पे हमें कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, लेकर आना है इस पर। अब इसको फ्लेवर कर देंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करके 1/2 टीस्पून, और इन सबको अच्छे से मिला लें। जब ये अच्छे से पक जाए ना, तो मैंने क्या किया है, इसको और क्रीमी बनाने के लिए जो स्लाइस चीज़ होता है ना वो इसमें ऐड किया है, तो वो 1 या 2 पीस आप ऐड कर सकते हो जितना आप चीज़ ही चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 पीस ऐड किया है, इसको भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे, देन द वाइट सॉस इज़ रेडी। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ही सिमर करके रख देंगे, एंड हम लोग साथ में अब चिकन फ्राई करने ले लेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसमें सारे चिकन के पीसेस हम ऐड कर देंगे, और इसे सारे ही साइड से फ्लिप करके 5 से 10 मिनट अच्छा पका लेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये सारी कुकिंग हमने मीडियम फ्लेम पे करनी है, हाई फ्लेम पे करेंगे तो क्या है वो जल सकते हैं। तो एक साइड कुक हो चुका है, तो इसे मैंने फ्लिप कर दिया है, और दूसरे साइड पर अब इसे हम सेम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर अब सारे साइड से पक चुका है, तो इसे अब एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल रिलीज हो जाए, और इसे प्लेटिंग करने के लिए जो प्लेट आप सर्व करना चाहते हो उसमें डाल देंगे। अब वाइट सॉस ऊपर से आपने पोर करना है। अगर आपका वाइट सॉस ठंडा हो चुका है चिकन फ्राई करने तक, तो आपने क्या करना है, इसे अगेन थोड़ा सा गर्म कर लेना है, क्योंकि ये पूरा जो है जम जाता है। तो इसके ऊपर से डाल दिया है वाइट सॉस हमने, अभी इसके ऊपर है ना थोड़ा सा मैंने मोज़रेला चीज़ जो है ना वो भी ऐड की है, कुछ इस तरीके से डाल देंगे, और थोड़ा सा इसे गार्निश कर देंगे हम लोग कोरिएंडर लीव्स के साथ, कोथमीर या फिर धनिया लीव्स जो जिसे बोलते हैं हम लोग, वो डाल देंगे। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल रेसिपी, क्विक बन जाती है, और ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ में घर में अवेलेबल, उसी से मैंने इसे एक बहुत ही लज्जतदार स्टार्टर बना लिया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद फजीन्स फूड मैजिक फॉर मोर सच वीडियोज़। टेक केयर, गुड बाय।